बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माइसेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 13। पिछले कुछ टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ये पहले ही बता चुका हूँ सील हो गई थी, बट अभी क्या है अभी ये बिल्डिंग ओपन हो चुकी है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब ऐसी कोई दिक्कत ना आए और वीडियोज़ कॉन्टिन्यूसली अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है चलो, तो अभी इसके पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो कि काफ़ी डेज हो गए हैं गैप, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली कह सकते हो कि जो हमारा लेंस है, मीन्स एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सिंपल टर्म्स। नाउ आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। लेंस क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने लाइट जब पढ़ रहे हैं, लाइट में हम दो फिनोमिनॉन पढ़ना था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होता था उसको हम मिरर बोलते थे, ठीक है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता था उसे मिरर बोलते थे। सेम वे में जब रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वो यहाँ पे हम लेंस बोलेंगे, लेंस को यूज करेंगे फॉर द रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे अगर किसी पेज पे अगर पानी रख दूँ, एक बूंद पानी, तो वहाँ पे आप देखोगे कि नीचे के जो लेटर्स अगर लिखे हुए हैं कुछ, तो वो हल्का सा अलग शेप में दिखता है, अलग पोजीशन उसकी दिखती है, तो वो वाटर एज अ लेंस वर्क करता है वहाँ पे। ठीक है, तो जिस चीज से हमारा रिफ्रैक्शन होगा उसे हम लेंस बोलेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। देखो पूरा कॉन्सेप्ट अब इसके आगे जो है सेम टू सेम एज मिरर उसी की तरह है। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा था, टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर हमने देखा था, उसके बाद क्या साइन कॉन्वेंशन थे, क्या रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखे थे। सेम वे में हम यहाँ पे भी प्रोसीड करेंगे। तो आज हम पहला अपना स्फेरिकल लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन जो शुरू करते हैं वो हम शुरू करेंगे अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस होते कैसे हैं, तो सेम वे में जैसे वहाँ पे मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते थे वैसे ही लेंस भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स होंगे। कॉनकेव मतलब कि ये वाला जहाँ पे बीच में केव बना हो, गुफा टाइप का सिंपली कह सकते हो, ये चीज हमारा कॉनकेव होगा और ये वाला कॉन्वेक्स होगा। तो इसमें जब लाइट पड़ेगी तो ये कन्वर्ज होगी, तो कॉन्वेक्स वाला जो होगा ये कन्वर्जिंग लेंस होगा और कॉनकेव जो होगा ये डाइवर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, ये सिंपल टर्म्स है, कुछ खास नहीं है इसके बारे में। एक दो चीजें और समझ लो। देखो कॉनकेव जो होता है ये वाला, इसमें क्या होता है, बीच में एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, इसके ऊपर ऐसे होता है एंड देन ऐसे होता है, और इसमें ऐसे आ जाओ एंड देन ऐसे आ जाओ। तो कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे प्रिज्म से मिलके बना होता है जिसका बेस सेंटर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कैसा होता है, तो ये कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, ये भी सेंटर में, और इसमें आप देख रहे हो क्या कि जो बेस है हर प्रिज्म का बेस आउटसाइड में है, तो प्रिज्म हमेशा अपने बेस की तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह है सेंट्रल पार्ट, तो ये लाइट को अनडेविएटेड छोड़ देगा। तो इस टाइप में कुछ फेनोमिना होते हैं, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये इधर ट्रांसफर करेगा बेस साइड में। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्किंग कह सकते हो, याद करने के लिए समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है चलो, अब हम देखते हैं अपना टेक्निकल टर्म्स, क्या टर्म्स होते हैं। तो लेंस फॉर्म कैसे होता है, जैसे मिरर हम किसी एक स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉल अगर ले लीजिए, उसका कुछ साइड का पोर्शन कटआउट कर दें और पॉलिश कर दें, तो वो हमारा एज अ मिरर काम कर रहा था। सेम वे में लेंस कैसे फॉर्म होता है, मिरर एक स्फेरिकल बॉल से फॉर्म हो रहा था, लेकिन जो हमारा लेंस होगा ये दो स्फेरिकल मिरर के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट दो स्फेरिकल बॉल्स कंसीडर करके चलेगा, दो स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करके चलेगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिमाग में एक चीज बैठा लेना कि मिरर में सिंगल स्फेरिकल सरफेस से फॉर्म हो रहा था मिरर, जबकि लेंस जो है ये हमारा डबल स्फेरिकल सरफेस से फॉर्म होगा। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स लगभग सिमिलर हैं, लगभग 100% नहीं बट 95
90% सिमिलर होंगे सारे टर्म्स। तो अगर अभी तक मिरर का टेक्निकल टर्म्स नहीं देखे हो तो एक बार उसको जाके देख लेना, आई बटन में ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो मिरर में रिकॉल करो, मिरर भी यहाँ पे हल्का फुल्का रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मिरर में क्या था कि जो हमारा स्फेरिकल सरफेस था, जहाँ से हम मिरर फॉर्म कर रहे थे, उस सरफेस का जो सेंटर था उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। तो सेम वे में द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, उस स्फेरिकल सरफेस का सेंट्रल पार्ट ऑफ विच लेंस इज फॉर्म, जिससे लेंस बना है। क्या चीज? उस स्फेरिकल सरफेस का सेंट्रल पार्ट जिससे लेंस बना है। अब मैंने बताया कि एक स्फेरिकल सरफेस से बना नहीं है, डबल स्फेरिकल सरफेस से बना है, तो फिर इसमें कौन सा, ये वाला या ये वाला, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? तो दोनों ही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। क्या होगा? दोनों के दोनों इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो लेंस में देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच लेंस इज फॉर्म्ड, उस स्फेरिकल सरफेस का सेंट्रल पार्ट जिससे हमारा लेंस बना है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। तो C1 C2 मैंने लिख दिया है, एक ये स्फेरिकल सरफेस है, एक ये स्फेरिकल सरफेस है, दोनों मिलके हमारा ये वाला जो पार्ट है ये लेंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर सॉरी मिरर वाले केस में क्या बताया गया था कि मिरर का जो सेंटर होता है पोल, उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होता है। सेम वे में ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, ये जो लेंस हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी देखो ये वाला और ये वाला दोनों चीजें लगभग सिमिलर है, इसमें भी C1 C2 सेम वे में आएगा। तो ये हमारा लेंस है और लेंस का जो सेंट्रल पार्ट आएगा, सिंपल सी डिफिनीशन है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? तो सेंट्रल पॉइंट जो इसका होगा, मिड पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, उसी को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसमें यहाँ पे मिड पॉइंट है ये वाला, तो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ओ, ओ से इसको डिनोट करेंगे, ओके। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस? ये क्या होता था वहां पे स्फेरिकल मिरर में क्या होता था? तो मिरर के कंडीशन में ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, या पोल हो गया। तो वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती थी, उसको हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वे में यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, द स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी रेखा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जो ऑप्टिकल सेंटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, मीन सिंपली समझ लोगे तो लिख लोगे क्या चीज, ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होके पास करे। ऐसा नहीं है कि इधर से पास कर गई और इधर से नहीं पास की तो हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे, ऐसी केसेस में हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर दोनों से होके पास करे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। वहां पे हमने सिर्फ फोकस डिस्कस किया था, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस मैं बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये बताओ फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस क्या होता था? तो जब भी मिरर पे पैरेलल रेस पड़ रही थी तो ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, इसी पॉइंट को हम फोकस बोल रहे थे। इस केस में जो हमारा ये वाला मिरर था, इस केस में कहीं पे आके
ऐसा सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम हो रहा था, तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल रहे थे। सेम वे में यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रेज इंसिडेंट होगी लेंस पे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज लेंस पे इंसिडेंट होगी, तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी इन द केस ऑफ कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है, वहां पे कॉनकेव जो था वो कन्वर्ज कर रहा था, ठीक है, और कॉन्वेक्स जो था ये डाइवर्ज कर रहा था, सॉरी ऐसे था डाइवर्ज। ठीक है, तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेव ये वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स वाले केस में क्या है कि पैरेलल रेज लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगी उसे हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, सेम वे में कॉनकेव में क्या होगा, तो कॉनकेव वाली कंडीशन में फ्रॉम विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि इससे पास होने के बाद ये लाइट यहीं से निकल रही है, यहीं से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस हल्का सा टेक्निकल टर्म्स जो है ये वर्ड्स जो है ये डिफरेंट हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट करके लिखा है, लिखा क्या है प्रिंसिपल फोकस, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस, प्लस का मतलब कि अगर कॉन्वेक्स पूछा है तो इसको ऐड कर लेना, कॉनकेव पूछा है तो इसको ऐड कर लेना, तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पे लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज करें, लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉनकेव लेंस में तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से पैरेलल रेज लेंस से पास होने के बाद डाइवर्ज होती नजर आएंगी, मतलब समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से पैरेलल रेज लेंस से पास होने के बाद डाइवर्ज होती नजर आएंगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ओके, नाउ हम मैंने बोला कि यहां पे प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस इसलिए बोला जा रहा है कि देखो ये वाला जो लेंस होगा इसमें ऐसे एक तो डायरेक्टली आप देख लोगे कि कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इस लेंस में एक और पॉइंट आएगा जहां से निकलने वाली रेज, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी, तो इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। सेम वे में इस भी केस में दो तरीके का होता है, एक तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं जहां से डाइवर्ज होंगी, और दूसरा हम कुछ इस टाइप से डिस्कस करेंगे कि ये आके पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में डबल यहाँ पे ये वाला F2 होगा और यहाँ पे ये जो इधर हमारा ये है ना ये वाली रेज जो पैरेलल हो रही है, एक मिनट इसको क्लियरली फिर से बनाने दो, देखो ये था, ठीक है, ये आया तो किधर, सॉरी थोड़ा सा ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट करा जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा, इधर से ये आएगा पैरेलल हो जाएगा, ये आएगा पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, और ये जो सेंटर जाएगा वो तो पैरेलल होगा ही, तो इसको जब इधर प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे ऐसे मीट करेगा, तो ये F2 होगा, ये F1 होगा, ठीक है ना, तो F1 को नहीं, प्रिंसिपल फोकस हमेशा F2 को बोलेंगे, यूजुअली का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम F2 का हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो क्या होगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा इस केस में, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कन्वर्ज करें, और कॉनकेव में वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जहां से डाइवर्ज होती नजर आए, यहां पे जहां पे कन्वर्ज करें और यहां पे जहां से डाइवर्ज होती नजर आए। क्लियर है? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ सिंपल है, मिरर के केस में क्या था, ये हमारा मिरर था, यहाँ पे पोल था और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अगर फोकस यहाँ पे था तो पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस थी उसे हम फोकल लेंथ बोलते थे। पोल मतलब ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस थी उसको हम फोकल लेंथ बोलते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस, सॉरी एक मिनट इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेना। देखो ये क्या है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस की उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, अपर्चर क्या होता है। तो इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस कितना बड़ा है, अगर इतना बड़ा है तो ये इसका पूरा अपर्चर होगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो इफेक्टिव, वहां पे मिरर में क्या था, इतना बड़ा अगर मिरर है तो ये इसका अपर्चर था, अगर मिरर छोटा है तो ये इसका छोटा अपर्चर था। तो सेम वे में इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेंस इज नोन एज अपर्चर ऑफ द लेंस। ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, सेम टू सेम है। ओके, तो क्लियर है, एक बार फिर से फटाफट देखते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो उस स्फेरिकल सरफेस का सेंट्रल पॉइंट जिससे लेंस बना है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, तो उस लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अब आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स कंडीशन में एट विच, यहाँ पे एट विच द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो आएंगी कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे उसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और दूसरे केस में कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस आर डाइवर्जिंग, आर सीम्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, मतलब लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती नजर आएंगी पैरेलल रेज उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज क्या, तो इज नोन एज द प्रिंसिपल, सॉरी इज नोन एज द फोकल लेंथ। ओके, चलो तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी साइन कॉन्वेंशन और कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स मतलब कि जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था कि कौन कौन सी रेज का यूज करके हम इमेज को ट्रेस करेंगे, तो सेम वे में रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज, कौन कौन से रेज हमें जाननी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए।